व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट की इस न्यू वीडियो के अंदर। तो जैसा कि भाई आपने पिछले वीडियो में देखा, मैं एक फार्म हाउस बनाया था जिसमें हम मेरे कुछ जानवर भी थे और एक खाने पीने के लिए जगह बना देता हूँ और रहने के लिए भाई एक मस्त था बेटा, वो सब कुछ कर दिया था। तो भाई आज का जो वीडियो, उसका गोल है जो बगल में आपने मेरे पास पेड़ देखा था उस पर एक हनी कॉम लगा था लिटरली भाई इतना खतरनाक। तो भाई आज मैं बनाने वाला हूँ एक बी फॉर्म, मतलब हनी ही हनी होने वाली है क्योंकि भाई आज पता नहीं क्या हो गया मेरे गले, पूरा गला जाम हो रखा है, मतलब बोलने में आपको समझ में आ रहा होगा। तो भाई वैसे भी आज हनी ही खाना है तो भाई गेम में भी हनी बनाते हैं और भाई जीव भर के खाते हैं। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा एरिया है, मैं थोड़ा बहुत प्रोग्रेस किया था, मतलब और वीडियो में थोड़ा बहुत प्रोग्रेस किया था। जैसा कि आप देख रहे हो चार पांच में हनीकॉम बना भी रहता, उसका इसका शेयर भी किया था, थोड़े बहुत बॉटल्स भी निकाले थे जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ। फिलहाल एक काम करते हैं, थोड़ी बहुत इनकी ब्रीडिंग करते हैं। तो यहाँ मैं फ्लावर्स ले लिया, उसके बाद अब चल के थोड़ी देर ब्रीड करते हैं और जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ा दें। जैसा कि आप देख रहे हो इसको भी खिलाया, ये बढ़िया, और इसको भी खिला देते हैं एक जो एक बच्चा दे दो भाई, बढ़िया भाई कॉपचे में जाओ यार, खुले में कर ले रहे कोई बात नहीं। जैसा कि आप देख रहे हो भाई यहाँ पे एक और इसको खिला था, एक और खिलाना इसको, ये भैया तुम भी जाओ भाई कॉपचे में जाओ, ये फालतू चीज़ें ये सब नहीं, ये सब खुले में नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आप देखो यहाँ पे पूरा भरा हुआ है। तो एक काम करते हैं यहाँ से मैं आज पानी बॉटल निकालूंगा क्योंकि मुझे भी खाना है, तो हमारी बॉटल में ही निकालेंगे, उसकी शेयर नहीं करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो मस्त तरीके से बॉटल भर लिया, तो दो बॉटल मिल गई हमको, एक तीसरी बॉटल मिल गई, एक और बॉटल चाहिए भाई, मधुमक्खी को ना लग जाए, बी को लग गया भाई ना दौड़ा के मारेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो इसको मैं रख लिया अंदर, उसके बाद भाई अब जो काम है वो शुरू करते हैं। फिलहाल जैसा कि आप देख रहे हो इसके अंदर मैं 19 हनी कॉम रखा हूँ, तो उसको निकालते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने घर पर, थोड़ा क्राफ्टिंग टेबल से मस्त तरीके से हनी कॉम बनाते हैं क्योंकि हनी कॉम से ही अपने हम हनी को पाल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत कोल निकालू क्योंकि मेरे को कैंप फायर भी बनाना होगा, क्योंकि भाई उसको ग्रो कराने के लिए हमको कैंप फायर ही लगने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हो मस्त तरीके से यहाँ से थोड़ा बहुत उड़ निकाल लिया, उसके बाद भाई इसके प्लैंक्स बनाते हैं क्योंकि प्लैंक्स ही ज़रूरी है। जैसा कि आप देख रहे हो मस्त तरीके से यहाँ पे मैं रखा तो, और इसके चारों तरफ मैं होट लगा दिया था, यह हनीकॉम बन गया। एक काम करते हैं, रुको इसके नीचे करते हैं, उसको फैला के रखते हैं अच्छे से। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैं टोटल 6 हनीकॉम बना लिया, तो ये चीज़ बढ़िया है। उसके बाद अभी मेरे को थोड़ा कॉम्फा बना, तो उसके लिए मेरे को उड काटने जाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं चलते हैं और जितना भी हो सकता है उड काट कराते हैं। तो जैसा कि देखो भाई यहाँ पे अच्छा खासा उड काटते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि मतलब अच्छा खासा काटा, वीडियो कट करके लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी मेरे को भाई बनाना है, जितने भी हनी कॉम बनाऊंगा उतने ही मेरे को कैंप फायर बनाना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो एक नीचे रखा, इसके ऊपर मेरे को रखना है हनी कॉम, तो ए भाई कहाँ गया, इसको ऐसे नीचे, अरे इधर बगल भी कहाँ रख दिया भैया, रुक जाओ इसको तोड़ना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हो भाई इसको मस्त तरीके से तोड़ लिया, उसके बाद अब सारा का सारा मेरे को ऐसे ही फैलाते हुए चलना है, जितना भी हो सकता है, लिटरली जितना हो सकता है मैं उतना बनाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक लगा है, इसके ऊपर रखते हैं, इसके बाद यहाँ पे भी एक लगाते हैं, इसके ऊपर रखते हैं, ये बढ़िया तरीके से ये बढ़िया हुआ। इसके बाद सेम ऐसे ही मेरे को यहाँ पे लगाना है, इसके ऊपर भी एक बढ़िया। जैसे कि आप देखो ये चीज़ बढ़िया होगा, मेरे पास कैंप फायर ख़त्म हो गया, तो एक काम करते हैं फिर से कैंप फायर बनाते हैं। फिलहाल मेरे को स्टिक बनानी पड़ी, हुई ये बढ़िया हो गया, 6 कैंप फायर बन गया, तो ये 6 कैंप फायर बहुत है और मेरे को अभी हैंग काम तो दो ही पड़ जाए। तो एक काम कर उसको ही बनाते हैं, फिलहाल एक काम करते हैं ये वाला काम सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैं लगा दिया एक, उसके बाद इसके सीधे में लगाऊँ, थोड़ा सा मतलब डिज़ाइन भी रहेगा ना, तो वो लुक भी अच्छा देगा और क्लासिक लगेगा। फिलहाल जो एरिया है इसको मैं बाद में सही करूंगा, फिलहाल के लिए इतना ही ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो मस्त तरीके से ये हो गया, उसके बाद इनकी थोड़ी बहुत ब्रीडिंग करते हैं और मैं लगभग बहुत सारे लगा भी चुका हूं, और इनकी जब तक ब्रीडिंग करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है ना कि एक कुछ टाइम बाद ही हम दोबारा से ब्रीडिंग कर सकते हैं, तो उसी का वेट करेंगे, जब वो टाइम आएगा दोबारा से करेंगे। बीच बीच में ब्रीडिंग करते रहेंगे ना, तो हम जैसे जैसे लगाते जाऊँगा ना ऐसी इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, तो मेरे को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हो ये हो गया, देखो छोटे छोटे से कहीं दिख रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैं सीएस निकाल लिया, अब मेरे को भाई हनी कॉम चाहिए क्योंकि मेरे को बी हाइव बनाना है। तो सबसे पहले भाई हनी हाइव बनाने के लिए यहाँ पे शेयर तो करना ही पड़ेगा। तो ये देखो मिल गया अपने को, ये हनी कॉम मिल गया, हनी कॉम से भाई इकट्ठा करते हैं, उसके बाद चलते हैं मस्त तरीके से। रुक जाए इसको कुछ खिला दें, ये बढ़िया हो गया, एक और खिलाते हैं किसी को। यार ये लोग भाई भूखड़ हैं, बहुत बढ़िया, एक ब्रीडिंग हो जाएगी, इसकी ब्रीडिंग हो जाएगी, जाओ दोनों लोग लग जाओ, बहुत बढ़िया भाई। इसको इतना सारा खिला दिया, बड़ा ही नहीं हुआ, मतलब सही में पूरी ग्रोथ में ही खा गया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो मस्त तरीके से यहाँ हो गया, मेरी क्राफ्टिंग टेबल किधर है यार, रुक जाओ
एक क्राफ्टिंग टेबल, यार ये लोग पीछे पड़े हैं, फालतू में लग गई ना, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, लिटरली बता रहे अभी जितना प्यार आ रहा दौड़ा के मारेंगे। कोई नहीं, यहाँ पे मेरे को चार अभी और बन सकते हैं, तो चार बन गए मस्त तरीके से। उसके बाद इसको भी लगाना शुरू करते हैं। जैसे क्या देख रहे हो, मैं स्टोन लगा दिया था क्योंकि ख़त्म हो गया था ना, तो इसको यहाँ पे मेरे को ये लगाना है, बी हैव लगाना है ऐसे सेम मेरे को इसके सीध में ला के यहाँ भी एक बी हैव लगा देना है। उसके बाद जहाँ भी मेरे को एक बी हैव लगा देना है, ये जो कहाँ गया कैंप फायर, ये कैंप फायर नीचे रखते हो उसे भी है। तो जैसा कि आप देख रहे हो काफ़ी टाइम हो गया मैं, अरे भाई भाई भाई, भाई नहीं, नहीं 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 भाई, मैं ग्रो करा रहा था, मतलब उनको ब्रीड करा रहा था, गलती से एक वीक को लग गया है यार भाई, इसी की बात कर रहा था। अब जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी ना, इसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि भाई देखो बहुत ज़्यादा देख के छोड़ो तो दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप देखो मस्त तरीके से आप भागता हूँ मैं, क्योंकि भाई ये दौड़ा रखे हैं, और इसे रात हो रखी ज़्यादा दूर तक नहीं दौड़ाएंगे, लेकिन हाँ डर तो है क्योंकि मारेंगे फालतू, हम मुझे मरना नहीं है फिलहाल। ताकि आप देख रहे हो मस्त तरीके से आते हैं इसके अंदर और चलते हैं, सो जाते हैं यहीं पे, और सुबह उठ के फिर से चलेंगे अपना अगला काम कंप्लीट करना है। जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी टाइम हो गया लेकिन ये लोग दिख नहीं रहे हमको, लगता तो नहीं है भाई ये लोग अभी आए होंगे, तो कोई नहीं चलते सब सो जाते हैं, गुड नाइट भाई। उसके बाद भाई उठते हैं सुबह, थोड़ी बहुत अभी रीडिंग करते हैं इनकी, भाई यही होता है मतलब थोड़ा भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं थोड़ी दूर जाने पर, लेकिन उस टाइम पर भाई अगर रुक गए आदत मार डालेंगे पक्का है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं सावल निकाल रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि सावल का ही निकाल रहा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई अभी मेरे पास कोई मतलब थोड़ा क्लासिक ब्लॉक नहीं है, उसकी जगह पर मेरे पास क्या है भाई, स्नो ब्लॉक, लिटरली इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है, मतलब फुल वाइट एकदम क्या कॉन्क्रीट लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, थोड़ा काम चला वाला काम है तो मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत। जैसा कि आप देख रहे हो मस्त तरीके से मैं इसको भी कलेक्ट कर ले रहा, उसके बाद पूरा पूरे इधर जितना भी है सारा का सारा कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद इनका ब्लॉक बना के लेके चलूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा एरिया सजाना चाहता हूँ। आई नो कि अभी मेरे पास कोई डिज़ाइन नहीं है, मतलब ऐसा कुछ सोच के नहीं बैठा मैं, बस यहाँ पर रीडिंग करने आया था, लेकिन हाँ एक अच्छा एरिया बना दूंगा जिससे कि देखने में भी थोड़ा सा लुक अच्छा है और साथ में सब कुछ बढ़िया सा भी लगे। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ अच्छी खासी क्वांटिटी मेरे पास ये स्नो ब्लॉक हो गए हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हो। तो भाई अब बारी आती है एक एरिया बनाने की जहाँ पे मेरा ये पूरा का पूरा फॉर्म रहेगा, तो भाई इसके लिए मेरे को आउटलाइन बनानी है। तो आउटलाइन बनाने के लिए सबसे पहले एक काम करें, थोड़ी बहुत इसकी हाइट पर लेके जाते हैं, चार पाँच की हाइट ले जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं ले जाएंगे। तो जैसा कि ये देखो यहाँ पर इनफ हो गया, सेम मुझे इस साइड भी लेके जाना, तो एक मेरे को सीधी लाइन देखनी है, तो इधर भी हाँ बढ़िया हो गया, इसको भी थोड़ा सा ले जाते हैं, आई थिंक ये ज़्यादा हो गया लग तो नहीं रहा, बट ठीक है एक काम करते हैं एक ब्लॉक और ले चलते हैं, होगा तो तोड़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल जैसा कि ये देख रहे हो ये भाई मुझे लग ही रहा था क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है ना, मतलब एक ब्लॉक पहले ज़्यादा उसके बाद एक तो दो ब्लॉक ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आप देख रहे हो मस्त तरीके से इसको भी तोड़ लिया, और ये देखो हाइट एकदम सेम टू सेम हो गई। अभी बस थोड़ा बहुत इसमें डिज़ाइन देनी, भाई गलती से भी को नहीं टच करना यार, मेरे को दौड़ाना नहीं है फिर से, तो कोई दिक्कत। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे को इसको ब्लॉक नीचे लगाना है, तो यहाँ पे मैं मस्त तरीके से यहाँ पे ब्लॉक लगा दे रहा, एक यहाँ पे एक सेम इधर एक, जो ये हो गया बढ़िया तरीके से। और अब आते हैं ऊपर, और सेम मेरे को उस साइड भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो मस्त तरीके इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, अब ये चीज मस्त हो गया। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा ये इनको क्या दिक्कत भाई, इस बार तो मैं कुछ भी नहीं किया यार, पिछली बार मानते टच हो गया था, लेकिन अब की क्या हो गया भैया, अब की कहें दौड़ा रहे हो यार, ये चीज़ गलत है, मतलब एक काम नहीं करने देंगे। तो भाई एक काम करते ना, हम काम करके ही मिलते हैं आपसे, नहीं तो भाई कसम से दौड़ा दौड़ा के ही मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल चलते हैं घर के अंदर, उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम के बाद निकलेंगे, जिससे कि भाई खतरा ख़त्म हो जाए और बचने के चांसेस थोड़े मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पॉन्स इस टाइम आ भी गए तो मर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा रिस्पॉन्स जाएंगे। फिलहाल मैं पूरा का पूरा भाई वहाँ पे बेस कंप्लीट कर दिया, क्योंकि भाई बहुत दिक्कत आ रही थी, अब भाई वीडियो लंबी होते जा रहे थे, तो कोई फ़ायदा नहीं था उसका। जैसा कि अब देख लो ये रहा अपना एरिया, मानते हैं इतना कुछ गुड लुकिंग नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रॉमिस है, कुछ टाइम बाद जैसे जैसे मेरे पास थोड़े कॉस्टली ब्लॉक आएंगे ना भाई, एकदम झाइयाँ बनाएंगे, इसका मतलब झाइयाँ मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा बनाएंगे। तो एक काम करते भाई, थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं जितने भी यहाँ बिहार से मैं पूरा का पूरा इनका मतलब शेयर कर लेता हूँ, जिससे मेरे पास अच्छी खासी हनी कॉम आ जाए, क्योंकि उसके भी मेरे पास कई सारे मतलब प्लान्स हैं, तो बाद में बताएंगे। फिलहाल सिगरेट रिफिल नहीं करना, और फिलहाल ये बताएंगे मतलब देख रहे हो अच्छा खासा उसमें मैं शेयर करने जा रहा है, पता नहीं उसमें से निकाला है, मतलब पता नहीं प्रॉब्लम क्या है इन लोगों को फिर से मारने में लगे। कोई दिक्कत नहीं है, चुपके से बार पीछे से आ गया। उसके बाद अब एक काम करते हैं, जितने भी मैं यहाँ बी एप लगाऊँ सबको शेयर करते हैं, और देखते हैं मेरे को कितने ज़्यादा हनीकॉम मिलते हैं, क्योंकि भाई वही चीज़ तो भाई मज़ा आएगा यार देख के। तो जैसे कि आप देखो यहाँ पर मैं लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर जितने भी मेरे पास हैं सबको मैं शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पता है भाई इस फॉर्म बनाने का ना, मतलब बनाते टाइम उतना ज़्यादा मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि पता है
ये जो है बहुत बेसिक वाला हो जा रहा है, क्योंकि देखो अगर हमारा जावा एडिशन है, तुम्हारे पास ये लॉट ऑफ ऑप्शन है इसके, रेडस्टोन बिल्ड बनाने के, दूर हो गया ये सब बनाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन भाई पॉकेट एडिशन में, बेडरॉक एडिशन में, इसके लिए समझ लो ट्राइपॉड बना लो सकते हो, MLG के लिए यूज़ कर सकते हो, या मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हो कि जो हमारे जितने भी कॉपर्स हैं वो ऑक्साइड होने लगते हैं, उनको ऑक्साइडेशन से रोक सकते हो। इसके अलावा भाई हनी का कोई यूज़ मेरे को नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि पॉकेट एडिशन में इससे ज़्यादा भी कोई यूज़ है तो प्लीज़ कमेंट में बताना भाई, देखेंगे ज़रूर। और भाई अब तो अपने पास पूरा का पूरा खजाना आ चुका है, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं फिलहाल। ऐसा कि आप देखो पर लगभग 1.5 स्टैक मिल चुका है, वो भी मुश्किल से बता रहे 2 मुश्किल से 10 मिनट लगा होगा, मैं भी 10 मिनट, मेरे को पूरा कंप्लीट करने के बाद 10 मिनट लगा होगा, वो भी मैं रुका नहीं हूँ, मतलब मैं अपना काम करता जा रहा था, यहाँ भी बंदा जा रहा था भाई, बस देख रहे हो। अब ये क्या होता है, हनीकॉम ब्लॉक क्या होता है मेरे को पता नहीं है, रुको एक बार देखते हैं इसकी टेक्सचर कैसा है। अगर टेक्सचर अच्छा हुआ तो भाई इसका भी यूज़ करेंगे बिल्डिंग में, लेकिन देखते हैं फिलहाल अगर टेक्सचर कैसा लगता है इसका तो। अरे जी भाई बहुत घटिया लग रहा, अरे इससे अच्छा मैग्मा क्रीम ना लगा दूँ मैं, मतलब मैग्मा ब्लॉक लगा देता हूँ मैं इससे अच्छा, नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो ये सारा काम तो हो चुका है, तो भाई एक काम करते हैं, इसको मैं सबसे पहले अपने पूरा का पूरा रख लेता हूँ अंदर, पूरा बैग के अंदर पैक करते हैं, क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका है सब रखने का। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही रखते, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ आप लोग जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके बताओ कि मैं इसमें क्या डिज़ाइन और दे दूँ, और भाई प्लीज़ कमेंट में बताना मत भूलना कि हनी से और क्या क्या हम यूज़ कर सकते।